पाक पवित्र धरती से जिथे संत जरनैल खालसा पिंडर वाले ने नवा इनकलाब लिया सिख पंथ की हकूमत लिया वचन अज निडरता दे नाल निर्धारित होके करन वाले महापुरश संत बाबा बलजीत सिंह जी दादूवाल फिर सिख कौम दे इको एक वाहदा गुरु दे तौर ते उभरे ने। सत श्री अकाल। अज रोडे तो संत बाबा बलजीत सिंह दादू साहब की उठी आवाज संत जरनैल सिंह खालसा पिंडर वाले दी महान शहादत तो बाद पे थप्पे नू अते बाबा जोगिंदर सिंह खालसा दे अकाल चलाने तो बाद खप्पे पे खप्पे नू हर हालत विच पुर कर देवेगी। जो आवाज संत बलजीत सिंह दादू साहब की होवेगी वो आवाज दुनिया दे विच सिख पंथ दी होवेगी। जो विचार संत बलजीत सिंह दादू साहब ने पेश कीते ने मैं उस दे इक इक सतर ते इक इक अखर दी ताहीद करदा हां वो सिख कौम दी आवाज है सिख पंथ दी आवाज है जेड़ी सिर्फ पंजाब विच नहीं देश विच नहीं अंतरराष्ट्री तौर ते सुनी जावेगी। अज जरूरत है कि सारी संगत इस रोडे की पाक पवित्र धरती तो जिसकी मिट्टी हर सिख मस्तक ते लाना चाहिए जिथे संत जरनैल सिंह खालसा पिंडर वाले ते बाबा जोगिंदर सिंह खालसा इस थां ते जन्मे ने उस धरती तो ये आवाज अज देश विदेश दे विच फैल जावे ते मैं भरोसा दवाउणा कि उन्हां दे हर हुक्म की पालना की जाएगी और उन्हां दे हर हुक्म ते चल दे जिस तरह मैं उस समय सुगंध खादी सी बाबा जोगिंदर सिंह जी वेले और आखर दे विच मैनू उन्होंने फतवा दिता सी कि तुसी अपनी वफादारी नवा गए हो उही वफादारी हुण पंथ कात संत बाबा बलजीत सिंह दादू साहब की नवाई जावेगी। ते आओ इस मरदे कौम नू इस पंथ दे नेता नू इस पंथ दे धर्म दे नेता नू इस पंथ दी राजनीतिक अगवाई देने वाले नेता नू इक आवाज बुलंद करके कहिए कि संत बाबा बलजीत सिंह दादू साहब अज पंथ दे नेता ने अते इस विच कोई भुलेखा नहीं होना चाहिदा और ये वादा करके हथ खड़े करके असी ये वादा करिए अते सिख पंथ नू असी नवी सेध देने लई संत बाबा बलजीत सिंह दादू साहब नू अथा ताकत ते शक्ति प्रदान करिए। मैं बेनती करदा संतां नू कि हथ खड़े करके इन्नियां बेनतियां करदा होया मैं माफी चाहुंदा हां। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।